दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इस सज्जन को जो आप देख रहे हैं ये असल में हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया है। जी हाँ, ये पूरा मामला जो है वो उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में एक जगह है बागेश्वर, जहाँ से आपने बाबा बागेश्वर को बड़ा सुना होगा, वो बड़े प्रसिद्ध हैं आजकल। उसी बागेश्वर इलाका है उत्तराखंड में, उस बागेश्वर के रहने वाले ये सज्जन हैं। इनका नाम नवीन रौतेला है। आज तक जो न्यूज़ चैनल है उसने भी इस न्यूज़ को कवर किया है, लेकिन उसने ना कहीं पर इस शख्स का नाम नवीन रौतेला बताया है, ना ही उसने ये बताया है कि ये असल में हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं। उसने कुछ नहीं बताया है, उसने बस इतना बताया है कि एक बलात्कार का मामला सामने आया है जिसमें एक ट्यूशन टीचर ने बलात्कार किया है और उसे जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बस इतनी सी खबर है और उसमें ना ही इस शख्स का नाम नवीन रौतेला, जो बागेश्वर नवीन रौतेला अपना नाम बताता है और सोशल मीडिया पर काफ़ी भयानक पोस्ट करता है, भयानक। जी हाँ, जैसे इनके पोस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि मगरमच्छ की पकड़ और राजपूत सनातनियों जय श्री राम कहने वालों की अकड़ जबरदस्त होती है। शर्म नहीं आती है इनको? किस मुंह से ये अपने आप को सनातनी कहते हैं, किस मुंह से अपने आप को ये राम को मानने वाले कहते हैं, जय श्री राम का नारा लिखते हैं और इनका जो कार्य है वो देखिए। हाय रे अफसोस कि ये लोग अपने मुंह से जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उस राम का नाम लेते हैं जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, उनका नाम लेने वाला ये इंसान। अपने आप को देख लीजिए, कितना लिखता है कि मैं इस संसार में सिर्फ एक हीरो को जानता हूं, हे श्री राम आपको मैं अपना हीरो मानता हूं, जय श्री राम। शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। इस शख्स के अंदर जो गंदगी है उसको आप देखिए। मैं आपको पूरा मामला बताता हूं। पूरा मामला उत्तराखंड के बागेश्वर का है। बागेश्वर का रहने वाला ये जो शख्स है वो न सिर्फ हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है नवीन रौतेला, बल्कि ये एक ट्यूशन टीचर है और ये ट्यूशन पढ़ाता है, कंप्यूटर की क्लासेस लेता है और 2016 से इसके यहाँ एक बच्ची जो है वो पढ़ाई करती है। 15 साल की वो बच्ची है, नाबालिग है, 2016 से ये कोचिंग पढ़ा रहा है और वो बच्ची भी इसके साथ इसके यहाँ पढ़ाई करती है। लेकिन ये लड़का जो भाजपा का नेता है और खुद को ट्यूशन टीचर बताता है और ट्यूशन पढ़ाता है, वो पिछले कई महीनों से एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। लगातार कई महीनों तक, लंबे समय से यह बलात्कार कर रहा था। अब आप सोच लीजिए कि यह समाज किस गंदगी के तरफ है और इस समाज के लोग किस तरह के गंदे लोग हैं। ये उत्तराखंड का मामला है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको बताएं कि ये जो इंसान है इसने 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया है। इस पूरे मामले को लेकर के होता यह है कि ये जो इंसान है ये जबरदस्ती उस लड़की के साथ न सिर्फ बलात्कार करता है, बल्कि खबरें बता रही है, मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये उस लड़की के घर में एक दिन जबरदस्ती चला जाता है और उसके बाद उस बच्ची, नाबालिग बच्ची का बलात्कार करने की कोशिश करता है। तब वो चीखती चिल्लाती है, तब रिश्तेदार एक परिजन उसकी चीख को सुन करके पहुंचता है, तब वो सारी बातें बताती है। उसके बाद इस लड़की के जो पिता हैं वो पहुंचते हैं थाने और बागेश्वर कोतवाली में जा करके इनके पिता कंप्लेन करते हैं कि मेरी बेटी के साथ, और ये कंप्लेन 21 नवंबर को वो जा करके कंप्लेन करते हैं कि मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद पुलिसकर्मी जो है वो जांच पड़ताल शुरू करती है और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, दो पुलिस वालों के बीच में ये शख्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जिला अध्यक्ष युवा वाहिनी हिंदू जागरण मंच बागेश्वर है। सोचिए किस तरह के हालात हैं। वो कहते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुड़ी, ये वही लोग हैं। इनके लिबास को देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे देश में कि दंगाइयों की पहचान लिबास देख करके लगाया जा सकता है, कपड़े देख करके लगा पाएंगे अंदाजा आप? है किसी के अंदर हिम्मत कि लिबास देख करके ये अंदाजा लगा लें कि कौन बलात्कारी है और कौन बलात्कारी नहीं है, किसने बलात्कार किया है किसने नहीं किया है?
कौन धर्म के नाम पर, कौन जो है वो एक खास पार्टी के नाम पर अपनी छवि बनाता है और उसके बाद उस छवि के नाम पर किसी बच्ची का दुष्कर्म करता है और दुनिया वालों को ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि उससे बेहतरीन इंसान समाज में कोई नहीं। इस खबर को जानने के बाद जो सबसे बड़ा अफसोस मुझे हुआ वो हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया आज तक की रिपोर्टिंग से। आप हेडिंग देखिए आज तक की रिपोर्टिंग किस तरह की हुई और क्या कुछ आज तक ने लिखा है। यह हालात है, आज तक लिखता है कि नाबालिग छात्र से रेप करने वाला ट्यूशन टीचर गिरफ्तार, स्कूल जाते समय करता था छेड़खानी। सोचिए, स्कूल जाते समय छेड़खानी करता था, यह खबर है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस पूरे खबर में, अगर मैं पूरी खबर आपको पढ़ के सुना दूं, बागेश्वर जिले में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी लंबे समय से नाबालिग की यौन शोषण कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस ने नाबालिग किशोरी के हवस का शिकार बनाने वाले ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से नाबालिग पीड़िता का यौन शोषण कर रहा था, जिसको लेकर के पीड़िता के पिता ने बागेश्वर नगर कोतवाली में तहरीर दी थी। उसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में ट्यूशन टीचर है। उसने नाबालिग छात्रा के साथ न केवल बलात्कार किया बल्कि मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग छात्र के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक नवीन रौतेला है। अच्छा, ये एडिट किया गया है बाद में। वह साल 2016 से उसके पास ट्यूशन पढ़ने वाले एक छात्रा का शारीरिक व मानसिक शोषण कर रहा है। उसने कई बार छात्रा से रेप किया। आरोपी युवक छात्रा को धमकी भी दे रहा था कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। आगे है, कंप्यूटर टीचर ने किया 15 साल की लड़की से रेप। 3 महीने पहले पिथौरागढ़ में एक एयर कंप्यूटर टीचर अन्य नाबालिग लड़की, और इसी तरह की बातें पूरी लिखी गई है। इसने एक जगह बस नाम लिखा है, ठीक है, नवीन रौतेला इसने नाम लिखा है। इसने कोई जानकारी नहीं दी कि नवीन रौतेला असल में कौन है। उसने ये नहीं बताना समझा कि ये हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष है। क्यों नहीं बताया? क्यों इसके हेडिंग में, इसका जो हेडिंग लिखा गया है उसमें इसका नाम नहीं है? क्यों इसके हेडिंग में ये बात शामिल नहीं है? इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि ये जो है, इनका काम ये है कि टीआरपी गेन किया जाए, और यहां से इन्हें टीआरपी तो मिलेगी नहीं। सोचिए, अगर यहीं पर इस नवीन के जगह पर कोई नसीम होता तो क्या होता? सोचिए क्या होता। आज तक में प्राइम टाइम चल रहा होता और वहां पर चीख और चिल्लाहट शुरू हो गई होती। ये पूरा मामला है दोस्तों उत्तराखंड का। हमने आपको पूरी खबर बता दी है और आधी खबर इस आज तक की खबर को हमने पढ़ी है, उसमें भी आपको मालूम चल गया होगा कि किस तरह से उस बच्ची को जो है वो लगातार धमकियां मिल रही थी कि अगर तुमने घर वालों को बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। पूरा का पूरा मामला उत्तराखंड के बागेश्वर का है और अभी इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायालय में इसे जो है वो पेश किया गया था, उसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत केस होने की बात सामने आ रही है। अब देखना यह है कि इसे क्या कुछ सजा मिलती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आज तक और तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप गूगल पर सर्च करके देखिए, शायद ही आपको कोई 2-4 चैनल भी मिल जाए जिस पर आपको इसको लेकर के कोई खबर मिले। कोई खबर नहीं है। क्यों नहीं है, आपको सोचने की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। कुछ लोग कहेंगे कि हिंदू मुसलमान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमारे तमाम जो देश में रहने वाले अलग अलग धर्म के तमाम जो लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोग हैं जो देश में नफरत की हवाएं फैला रहे हैं। और ये जो शख्स है, असल में इसका ना ये एक सनातनी हो सकता है, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में जो व्याख्या है उस पर ये नहीं उतरता है, ना ही ये श्री राम को मानने वाला हो सकता है जिसके नाम का नारा लगाता है ये, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आगे हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए पेज से जुड़े रहिए। अगर वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।